भेजदा मोटी, ये लड़की नीचे तक न्याय लेना है। गाइस धमाका होने वाला है, मेरी शादी हो जाएगी तो खुद से आना मेरे घर पे राखी बंधवाने। तो गाइस सूरज बिल्कुल मुंह पर है और मैं आया हूँ अभी मार्केट मीनू दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं। क्योंकि सुबह से उनकी कॉल आ रही थी कि राखी के लिए आ जा, और अभी आई थिंक मेरा फ़ोन बज रहा है, देखता हूँ पहले कॉल किसकी है। फिलहाल मेरे को लेना है कुछ नहीं, बस एक पल्स टॉफी का डब्बा लेना है, एक बड़ा वाला, नथिंग एल्स। तो अभी गोपो निकालती, अभी लेना है पल्स टॉफी का डब्बा, मिठाई नहीं टॉफी ले गया, फीस दे देना है। बहुत है गाइस मार्केट में, यार मैं तो बाइक ना मुड़े कितने फंस गया मैं, कोई तो पर काम करता हूँ आगे नहीं बोल रहा हूँ, हाथ में मोड़ नहीं पाऊंगा इसको। ट्रैफिक लग रहा है आगे, वहाँ पे लग रहे हैं, ये हो गया अपना काम। मैं बताऊँ मैं ना हमेशा की तरह लेट जा रहा हूँ, फिर सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ड्राइव कराऊँ या नहीं कराऊँ। गाइस ट्रू अरे भाई मैं फेवरेट कार, गाइस मैं फेवरेट कार, भाई क्या ब्रेक मारे हैं पूरे पूरे हरी कर रखी है, गिफ्ट रैप खुल रहा है नहीं खुल रहा। तो गाइस यार बहुत शोर है बात, फिलहाल मैंने गिफ्ट रैप करा लिया, इसको बैग में डालते हैं निकलते हैं, बाइक ये रही अपनी। तो सन धूप देख रहे हो कितनी ज़्यादा गर्मी, शाम के 6 बजने वाले हैं, पूरा ब्राउन कर दिया इसने। चलो मिलता हूँ सीधा बाइक पर। तो बॉयज़ अभी हम लोगों ने करा लिया गिफ्ट रैप और अब मैं निकल रहा हूँ। यार मुझे ना एक बॉक्स से मिला, मुझे ना ये कॉफ़ी बॉक्स एक बॉक्स के अंदर डलवाना था, जिससे कि वो जल्दी से बता ना पाएगी क्या है इसमें, बट वो एकदम बता देगी, बहुत जल्दी बता देगी, बट कोई नहीं बैक तो करा लिया हमने। नंबर बिजी है गाइस, गाइस कॉल पे बिजी आ रही है, प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मोटी काम भी हो गए थे अभी। तो गाइस फाइनली हेज द मोटी, ये लड़की नीचे तक न्याय लेने है। देखो गाइस पिछले साल आया था मैं, एक साल बाद आ रहा हूँ पूरे नीचे लेने नहीं आया यार, ऑफिस में मिल लेता गाइस, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है ना। तो अभी बैठते फिलहाल, थक गया यार, तीन फ्लोर चढ़ गया हूँ मैं। सो गाइस इट्स टाइम फॉर राखी, आपने लास्ट ईयर देखी वीडियो जब मेरे पास R5 से, मतलब जब भी राखी आती है ना तो मोस्टली मैं बाइक ले ही लेता हूँ उस टाइम पे। आगे ये मैंने अभी मतलब सोच रहा था बैठे बैठे कि पिछली बार मैं कैसे आया था, सिर्फ मुझे याद है मेरे पास R5 थी उस टाइम पे, और अभी मैंने रिसेंटली देख लो आपको मैंने बाइक ली है।
देखा जब रक्षाबंधन आता है तो ऑटोमेटिक चीज आ जाती है मेरे पास, है ना। ये लकी लड़की है, जब भी इसका टाइम आता है कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ये देखो प्यारी बहन, तो इस टाइम पर आगे मेरी शादी हो जाएगी तो खुद से आना मेरे घर पे राखी बनवाने, वो मेरा गिफ्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अभी शादी वादी जब होगी जब देखी जाएगी ये करेगी नहीं अभी तो दिस स्टूडियो। अब देखो मुझे पता है और सही पता है, मैं कह रहा था नहीं पता कर लेगी कि सुंदर क्या है, थोड़ी कैसे होता सुंदर क्या टॉपी देखा। 1 मिनट में बता दे यार, चीटिंग है। मैं ये कह रहा था, मैं कह रहा था ना खाली स्लाइड पे इलेक्शन खत्म था, मैं कह रहा था ना इसका मतलब ये पकड़ते ही बता देगी फौरन क्या है बॉक्स में। तो ये सब कुछ देखा मेरे को पता था, इसलिए मैं पिछली बार सोचा था बट मैं बहुत लेट ले आया था तो मैं ला नहीं पाया था। इस बार राखी बंधवाने लाना इम्पोर्टेंट था तो मैं ले आया। तो गाइस अभी मिलता थोड़ी देर में पेट पूजा करके। सो गाइस फिलहाल पेट पूजा हो चुकी है और मतलब भर दिया है, यहाँ तक भर दिया लगता है किसने मोटी ना, ये खुद तो मोटी है, मुझे ही मोटा करके माने। अगर मैं आने लगा ना इसके अगर हफ्ते में दो बार भी आ गया ना तो कसम से बता रहा हूँ 10-15 किलो वजन तो बढ़ा ही देगी मेरा ये, और तुम्हारा भाई फिर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। अच्छा गाइस ये पक्का मोटा करने का इरादा है, मैं तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला इसके पास अब, क्योंकि मुझे कोई शौक वक्त नहीं मोटा होने का। आपका भाई जैसा भी है फिट है, बस थोड़ा सा फिट होना है और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो राखी बन चुकी है, अब चलते हैं घर, अभी थोड़ा और काम भी निपटाना है, तो मिलते हैं मोटी। तो बॉयज फिलहाल मैं निकल चुका हूँ मीनू दी के घर से, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हम लोग बातें कर रहे थे बहुत देर तक बैठ के, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे निकलने में, बढ़िया कब चलता है जल्दी से घर।